तो कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से कितने साल के हैं आप? 13 साल के। तो गाना क्यों गाना चाहते हैं? तो आपको पढ़ने का उम्र है ना। जैसे हमारा हमको गाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा शौकीन है हम गाने के। अच्छा, कितने पढ़ते हैं हम? 8th में। 8th में पढ़ते हैं भैया ये। और अभी से इनको गाने का चस्का लग गया है। अच्छा, तो गाना कैसे, गाने का चस्का लग गया आपको? गाना हमको पवन सिंह में उनको देख के, खेसारी लाल में उनको देख के, अच्छा, उनको गाने का मन करता है। अच्छा, तो किन का गाना ज़्यादा सुनते हैं? पवन सिंह का। पवन सिंह का। और गाना कौन सा गाएंगे? पवन सिंह का। पवन सिंह का गाना गाएंगे, अपना गाएंगे? अपना गाएंगे। अपना गाएंगे। किस दिन पर गाएंगे? पवन सिंह के गाने पे, वो मीठा मीठा पौधे कमरिया पे। अच्छा, तो आप कैसे आए हैं गोरखपुर से? हम भैया के साथ आए हैं। अच्छा, भैया का नाम क्या है? भैया कौन है ये? ये अरे हमारे अंकल जी हैं, मतलब समझ लीजिए हमारे घर के बगल में रहते हैं। अरे हमारा मदद करना चाहते हैं। अच्छा, तो घर में सब लोग जानते हैं? हाँ। तो गा किसे सुनाइए, कौन सा गाना गाएंगे? कौन सा गाना गाएंगे? डर लग रही है। चलिए अभी तो डर लग रही है। बनेंगे आप? अभी से डर रहे हैं तो डर नहीं रहे। जो लिख कर रखा है उसको लाइए और गाइए, अपना गाना लिखाइए, थोड़ा देखा जाए कौन सा लेके आएगा ना। हाँ। ये माइक ले लीजिए। नया भैल गौना नया बाटे समान जी, बाद में ए राजा जी करी हने बहन जी, अभी रहुआ जाए ना वो सरिया में, हाँ वो सरिया में, नाने उमर मोरा हो गईले गवाना, धोनी ना राजा हो कबरिया में। यही गाना है हमारा। सही गाना कब लिखे हैं आप? ये गाना ये हमारे सर जी लिखे हैं। कब मिला गाना आपको? ये गाना मिला है हमको आज। आज हाँ। देखिए भैया, ये बच्चा अभी 13 साल का बच्चा है और ये गाना हमारे स्टूडियो के लोकप्रिय सिंगर और राइटर आरपी सिंह जी ने अभी गाना ये लिखा है। और अभी अभी इस बच्चे को ये गीत मिला है, लेकिन फिर भी इतना प्यारा गा रहा बच्चा। और हम पहली बार स्टूडियो में आकर गा रहे हैं। पहली बार बच्चा आया स्टूडियो में, तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए इस बच्चे को, ताकि बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि अब बिना आप लोगों के सपोर्ट के, आपके सहयोग से कोई आगे नहीं जा सकता। हम लोग कलाकार जो भी मेहनत करते हैं, इसके सारे हमारे देवी देवता भगवान सभी लोग आप ही लोग हैं। तो मैं चाहूँगा, ये हमारे बहुत प्रिय मित्र अविनाश मिश्रा जी हैं जिन्होंने इस बच्चे को लेके आया है। बाबू का नाम क्या? अभ्यास पांडे हमारा नाम है। अभ्यास पांडे बाबू को लेके आए हैं और ये चाह रहे हैं कि ये इनके बगल का बच्चा है तो ये थोड़ा सा आगे निकले। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग भोजपुरी के दर्शक हैं सभी लोग देखें। और आइए मैं आपको सुनवाता हूँ इनका गीत म्यूजिक के साथ। नया भैल